Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start lecture number 18 and we have started a translation of chapter number 10, A Mild Attack of Locust, written by Doris Lessing. We have done its translation yesterday because we have started in the previous lecture this chapter. So a mild attack of locust यानी टड़ी दिल का माइनर सा मामूली सा हमला, ये डोरिस लेसिंग ने जो चैप्टर शॉर्ट स्टोरी राइट की है उसको हमने कल स्टार्ट किया था, उसकी ट्रांसलेशन की हमने, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया राइटर का, स्टोरी का, ठीक है, चैप्टर का, और हमने थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन भी की थी और टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द ट्रांसलेशन. एंड ऑफ दे रैन अगेन, एंड ऑफ और पीछे की तरफ, दे रैन अगेन, दोबारा भागे, द टू वाइट मैन, दो सफेद फार्म आदमी, विद देम, उनके साथ थे, एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ पहले मिनटों में या लम्हात में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट जो करेक्टर है, देख सकती थी द स्मोक ऑफ फायर्स, आग का धुआं, राइजिंग, उठता हुआ, from all around the farmlands, from all around यानी के हर तरफ से, the farmlands वो जो खेत थे, ज़मीन थी, ज़री ज़मीन उसके, और इसको दोबारा देख लेते हैं कि, और वो दोबारा जो है वो पीछे की तरफ दोबारा भागे, दो सफेद फार्म आदमी उनके साथ थे, और कुछ लम्हात में या चंद मिनटों में मार्गरेट आग का धुआं उठता हुआ देख सकती थी खेतों के हर तरफ से, चारों तरफ से. Piles of wood and grass, piles mean ढेर, heap, यानी के घास के और लकड़ी के ढेर, had been prepared there, उनको वहाँ लगाया गया. Prepared mean to make something ready, यानी किसी को चीज़ को तैयार करना, बनाना. तो जो लकड़ी और घास के ढेर वहाँ लगाए गए. There were 7 patches of bare soil. Patches mean कतार, areas, जो ज़मीन के कतार होते हैं ना, कतार covered, patch कता और patches कतार, उसका plural है, जमा है. और 7 patches, 7 कतार, bare soil, bare यानी कि जो खाली थी soil, ज़मीन, जो खाली मट्टी थी, ज़मीन थी, उसके 7 कतार, yellow color and pink, जो जर्द रंग और गुलाबी रंग के थे, where the new mealies, जहां पर नई मकई की कोंपलें were just showing, अभी नजर ही आना शुरू हुई थी. मीलीज मीन जो कॉर्न की जो नई नई उगना शुरू होती है, कोंपलें उनको बोलते हैं. मेकिंग अ फिल्म, फिल्म मीन हेयर, जो अभी उन्होंने तय जो है वो किस कलर की, ब्राइट ग्रीन, जो चमकदार सब्ज रंग की अभी तय जो है वो बनाना शुरू की थी. एंड अराउंड ईच, और हर एक पौधे के गिर्द, यानी ईच मीन्स के जो उसने कोंपलों की बात की है मकई के, तो मकई की जो कोंपलें थी वो जो उसका पौधा था, ईच उसके लिए यूज किया है. और हर पौधे के गिर्द ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, उठ रहा था थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं का गहरा बादल. इसको दोबारा देख लें, वहां पर 7 खाली जमीन के कतार, जिनके जिनका रंग जर्द और गुलाबी था, जहां पर अभी मकई की जो कोंपलें हैं अभी नई नई नजर आना शुरू हुई थी, जिन्होंने अभी जो है वो चमकदार सब्ज रंग की तह बनाना शुरू की थी. हर एक पौधे के गिर्द आग का, उसका धुएं का गहरा बादल उठ रहा था या फैल रहा था. They were throwing wet leaves. अब उन लोगों की बात हो रही है. Now the writer is talking about the people who were trying to save their crops. अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. And now he will discuss the write about the activities they were doing at that moment. जब locusts were come there. जब वहाँ पर locusts है वो टेडी दिल ने हमला कर दिया था और लोग अपनी फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे. तो वो बता रही है कि they were throwing wet leaves. कि उन्होंने फेंकना शुरू किया. किसका फेंकना शुरू किया? wet leaves, गीले पत्ते, on the fires now, आग के ऊपर, अब to make it acrid and black. Acrid means pungent, sweer, कि उसको मजीद है वो शरीर बनाने के लिए, एंड ब्लैक और काला बनाने के लिए.
उन्होंने गीले पत्ते आग पर अब फेंकना शुरू किए या फेंक रहे थे। इसको मजीद काला और कड़वा कह ले, एसिड मीन कड़वा कह ले, या गहरा, मजीद गहरा करने के लिए और काला करने के लिए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट देख रही थी पहाड़ों को, चट्टानों को। नाउ अब देयर वाज अ लॉन्ग, वहां पर थी एक लंबी, लंबा या तवील, लो मीन्स कम ऊंचा या कम बुलंद, क्लाउड बादल एडवांसिंग आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल अभी तक इसका रंग कह लें कि जंग वाला था या जंगारी था। स्वेलिंग फॉरवर्ड, स्वेलिंग का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, यू नो, इसका मतलब है कि सूजना, कोई चीज आपकी स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है स्प्रेड, स्प्रेड समथिंग, किसी चीज का फैलना। तो फैल रहा था फॉरवर्ड, आगे की तरफ, एंड आउट और बाहर की तरफ, यानी कि हर तरफ वो फैल रहा था। एज शी लुक, जैसे उसने देखा। अब इसको बाइसन कैसे देख लें कि नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग रस्ट कलर स्टिल। अब कह रहा है कि अब वहां पर एक तवील कम ऊंचा बादल आगे बढ़ रहा था, उसका रंग अभी तक जंगारी था। वो आगे की तरफ और बाहर की तरफ फैल रहा था जैसे ही उसने देखा, जैसे कि वो मार्गरेट उसको वॉच कर रही थी, देख रही थी। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फोन जो है वो बज रहा था, या कह लेंगे फोन की घंटी बज रही थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेबर्स क्विक क्विक कह रहे, हमसायो जल्दी करो, जल्दी करो। देयर कम द लोकस, टड्डी दिल जो है या टिड्डियां जो है वो आ चुकी हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड। ओल्ड स्मिथ, जो बूढ़ा स्मिथ हैड, यहाँ पर जो फर्स्ट हैड है वो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और ये जो सेकंड हैड है ये प्रिंसिपल वर्ब है, यानी मेन वर्ब है। जिस तरह हैज की सेकंड फॉर्म हैव होती है और थर्ड हैड होती है, तो इस तरह यहाँ पर ये जो हैड है ये थर्ड फॉर्म जो यूज हुई है मेन वर्ब के तौर पर। तो बूढ़ा स्मिथ जो है उसकी जो क्रॉप फसल थी ईटन टू द ग्राउंड, यानी वो जमीन तक चाटी जा चुकी थी, खाई जा चुकी थी, यानी कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, कहते जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी आग को जलाओ, ठीक है। फॉर फॉर ऑफ कोर्स कहते यकीनन, क्योंकि वाइल एवरी फार्मर होप्ड, जबकि जो हर किसान है वो उम्मीद करता था, द लॉकस्ट वुड ओवरलुक, के जो लॉकस्ट है टिड्डियाँ वो ओवरलुक हिज फार्मलैंड, उसकी जमीन जो है उसको या उसके खेत हैं उनको नजरअंदाज, ओवरलुक मीन टू इग्नोर समथिंग, कि किसी उसके जो फार्मलैंड है, जरी जमीन है, उसको नजरअंदाज कर देगी। गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगली जमीन पर चली जाएंगी। इट वॉज ओनली फेयर, कहते कि ये सिर्फ ईमानदारी का काम था, टू वॉर्न ईच अदर, एक दूसरे को खबरदार करना। वॉर्न मीन खबरदार करना, आगाह करना। वन मस्ट प्ले फेयर, हर एक को ईमानदारी से काम करना चाहिए। नाउ सी दिस अगेन बाय सेंटेंस, कहते हैं क्योंकि यकीनन, जबकि हर किसान उम्मीद करता था कि टिड्डियां उसके जरई फार्म को या उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगी और अगले खेत पर चली जाएंगी, और कहता है कि ये सिर्फ ईमानदारी का काम था कि एक दूसरे को खबरदार करना, और हर एक को ईमानदारी से काम करना चाहिए, या हर एक को ईमानदार होना चाहिए। एवरीवेयर, हर तरफ या हर जगह, 50 miles, 50 मील तक, ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन रूरल एरियाज, देही इलाके जो है, देहाती इलाके। कहता है कि देहाती इलाके में 50 मील तक, द स्मोक वॉज राइजिंग, धुआं उठ रहा था, फ्रॉम मीरियड्स ऑफ फायर, फायर्स मीन आग, और मीरियड्स हम कहते हैं मल्टीट्यूड, और आप कह सकते हैं कि लातादाद, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि वहां से अलाव थे, लातादाद अलाव थे, और उसमें से आग का जो धुआं पैदा हो रहा था वो उठ रहा था। तो इसको दोबारा बाय सेंटेंस देखें, इसको कंप्लीट, के हर जगह या हर तरफ 50 मील, देही इलाके के 50 मील तक धुआं, आग के, आप अलाव का वर्ड यूज कर लें, कि लातादाद अलाव में से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट जवाब
दे रही थी, टेलीफोन जो कॉल्स थी उनकी, एंड बिटवीन कॉल्स और कॉल्स के दरमियान शी स्टूड वॉचिंग द लॉकर्स. उसने देखा, वो खड़ी देख रही थी टिड्डियों को, या कह सकते हैं जो टिड्डी दिल थे उनको. अच्छा, मार्गरेट फोन का जवाब दे रही थी और कॉल्स के दौरान वो खड़ी टिड्डियों को देख रही थी. द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीख हो रही थी. अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीबो गरीब तारीखी. फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज जो है वो ब्लेज कर रहा था, दहक रहा था. इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ वाइल्ड फायर. इट वॉज लाइक द डार्कनेस, ये किस तरह की तारीखी थी, जैसे कि वाइल्ड फायर, जैसे वेल्ट जो है फायर, ये वेल्ट का जो वर्ड यूज किया है, ये नॉर्थ अफ्रीका के कुछ एरियाज हैं, ग्रेजिंग एरियाज, ओपन ग्रेजिंग एरियाज हैं, जहां पर हर साल आग लगती है और वो उस आग के मंजर की तरह उसको तशबीह दे रहा है, उसको मतलब उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि किस तरह से जब वहां पर उन जंगलात में आग लगती है तो जो मंजर पेश किया है उसने, कहता है कि भी मंजर ऐसा है जैसे उस जंगलात में, नॉर्थ अफ्रीका के जंगलात में जब आग लगती है तो वहां का जो सीन होता है, वहां का जो मंजर होता है, ये अब जो आग लगाई गई है, इतनी जाहिर सी बात है कि लॉकस्ट का जो अटैक है उससे बचने के लिए, जो उसके जो नुकसान से बचने के लिए, इतने ज्यादा जो क्रॉप्स थी, जितनी भी फसलें थी, सब में चूंकि आग लगाई थी, तो इर्द गिर्द हर तरफ आग ही आग नजर आ रही थी और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था और हवा तारीख हो गई थी. तो ये समा ऐसा उसने कहा कि ऐसे था जैसे कि वाइल्ड फायर, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका के जंगलात में जब आग लगती है तो वहां का जो समा होता है, वो कह रहा है कि इस तरह की तारीखी है जैसे कि उसमें जो नॉर्थ अफ्रीका है, शिमाली अफ्रीका, वहां पर जब जंगलात में आग लगती है तो ये तारीखी उसकी तरह की है. When the air gets thick, जब हवा गहरी हो जाती है with smoke, किससे, किसके साथ, धुएं के साथ. The sunlight comes down distorted. Sunlight, सूरज की रोशनी, distorted mean कहने के मुंतशिर होना, बिखरा हुआ होना, मसख होना, यानी कि अपनी चेंज कर लेना, जो आपकी शेप है वो चेंज हो जाए. सूरज की रोशनी बदल जाती है कह लें, या मसखशुदा हो जाती है, बदल जाती है, अ थिक, एक गहरी हॉट ऑरेंज कह लें कि गर्म नारंगी रंग की हो जाती है. ओप्रेसिव इट वॉज, तो कहते हैं कि ये दबाव महसूस होता है, हैवी हो जाती है ना. ओप्रेसिव इट वॉज टू, कहते हैं कि ये कहने के डिप्रेस लगती है, परेशान कुन लगती है. विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, हैवीनेस किस चीज का, स्टॉर्म यानी तूफान की जैसे दबाव है उसकी वजह से ये लगती है, जैसे ओप्रेसिव हो गई है. द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट फास्ट, जो लोकस्ट हैं टिड्डियां वो बढ़ रही थी तेजी से. नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन, अब जो आधा आसमान है वो तारीख हो चुका था. Behind the reddish whales in front, अब दो तरह के जो है वो उसने मंजर उसने पेश किया है कि दो तरह के जो लॉकस्ट हैं उन्होंने, एक फ्रंट पे आ रहा है और एक बैक पे है, यानी फ्रंट वाला है उसकी, उसके बैक पे एक और एक स्वैम लश्कर मौजूद है उसका, लॉकस्ट का. अब वो उसकी बात कर रहे हैं कि बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, रेडिश वेल्स सुर्ख माइल जो पर्दे हैं इन फ्रंट, सामने वाले सुर्खी माइल पर्दों के पीछे, बिहाइंड मीन पीछे. विच वर द एडवांस गार्ड्स, जो के आगे वाले मुहाफिज थे ऑफ द स्वाम लश्कर के, यानी ये आगे वाले मुहाफिज थे उस लश्कर के. द मेन स्वाम, जो के मरकजी या जो बड़ा लश्कर था, शोर्ड जो नजर आता था इन डेंस ब्लैक क्लाउड, शदीद काले बादल की तरह, रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और जो के कैसा दिखाई दे रहा था कि वो पहुंच रहा हो ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, यानी सूरज बताते खुद सूरज के पास, यानी वो ऐसे लग रहा था जैसे सूरज तक पहुंचा हुआ है या सूरज तक फैला हुआ है. अब इसको दोबारा देख लें. सामने वाले सुर्खी माइल पर्दों के पीछे, जो के आगे वाले आगे वाला मुहाफिज था उसका लश्कर का. द मेन स्वैम, The main swam showed in dense black cloud, जो मरकजी कह लें या बड़ा लश्कर गहरे काले बादल में नजर आता था.
प्रीचिंग और जो के आसमान तक कह लें या सूरज तक, बजाते खुद सूरज तक पहुंच रहा था या फैला हुआ था. मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट हैरान हो रही थी व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, वो क्या कर सकती थी मदद के लिए. शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी. देन अप केम ओल्ड स्टीफन, फिर आया फिर आया ऊपर ओल्ड स्टीफन, स्टीफन बूढ़ा स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, जमीनों से. वी आर फिनिश्ड मार्गरेट, फिनिश्ड. उसने कहा कि हम खत्म हो चुके हैं मार्गरेट, तबाह हो चुके हैं हम. दोस बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर. कहते हैं कि वो जो बैगर्स हैं यानी कि वो भिखारी टिड्डियां, कैन ईट खा सकती हैं एवरी लीफ हर पत्ता एंड ब्लेड पत्तियां, पत्ती जिसको कहते हैं, ऑफ द फार्म खेत के, इन हाफ एन आवर आधे घंटे में. एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, और ये सिर्फ अभी आगाज है सपहर का. इट इफ कैन मेक इनफ स्मोक, अगर पैदा किया पैदा कर सके हम इनफ स्मोक सॉरी काफी धुआं, मेक इनफ नॉइज, काफी यानी कि शोर, टिल द सन गोज डाउन, हत्ता के सूरज जो है वो गरूब हो जाए, देल सेटल एम समवेयर एल्स, और वो कहीं और जो है वो ठिकाना कर लें शायद, एंड देन और फिर गेट द कैटल गोइंग.